Hello everybody, this is Sangeeta. Welcome back. And our today's topic is Rowlatt Act Part 2, which is related to the lesson Nationalism in India. Part 1 में हमने ये देखा खुद Rowlatt Act, जिसको Black Act बोला गया था और उसी से related जलियांवाला बाग है ना. अब Rowlatt 2 में हम क्या देख रहे हैं, खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट का छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ और फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं. अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वीडियो खिलाफत मूवमेंट जिसकी हेडिंग है वो देख सकते हैं, ताकि थोड़ा सा और आपको समझ में आ जाए. ठीक है, उसको देखने के बाद में आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपको कितने आते खुद ही स्कोर करिए, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे भी हो जाएगा आपकी पढ़ाई के अंदर ये. तो खिलाफत मूवमेंट एक्चुअली क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जहां पर ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट किया था उसी के अपोजिशन के अंदर टर्की, ऑटोमन टर्की ने भी क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था. हुआ ये कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका एंड जो हुआ वो टर्की की हार से हुआ, कि फाइनल जब टर्की हार गया मतलब क्या हुआ कि सब हार गए देश. अब इंग्लैंड जीत गया था, ब्रिटेन जीत गया था, टर्की हार गया था. अब टर्की का जो रूलर था, ठीक है, उसको खलीफा बोला जाता था और वो खलीफा जो थे वो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितने भी मुस्लिम थे उनके स्पिरिचुअल हेड थे, मतलब धर्म गुरु थे. अब जब खलीफा की हार हुई तो ऑल ओवर द वर्ल्ड के मुस्लिम को क्या लगने लग गया कि वो उनकी भी हार हुई है. नेचुरली अगर गुरु हारा है, धर्म गुरु हारा है, तो ये माना गया कि सभी धर्म जो उस धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो क्या हुए, हार गए हैं. तो इंडिया के मुस्लिम भी क्या हुए, बहुत नाराज हुए, क्योंकि नेचुरली उनके धर्म गुरु जो कि टर्की के रूलर थे वो हार चुके थे खलीफा. ठीक है, अब उनकी उनकी पावर को वापस लाने चाह रहे थे मुस्लिम्स कि नहीं, हम इनके जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो उनको वापस दे, है ना, उनके सम्मान में कोई कमी ना हो, ये चाह रहे थे. और ये सम्मान में जो कमी आई है खलीफा की वो ब्रिटिशर्स की वजह से आई है, ये सोचकर इंडिया के मुस्लिम्स ने क्या किया, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में. क्लियर, तो ये छोटी मोटी स्टोरी है. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर. व्हाट डू यू मीन बाय खिलाफत मूवमेंट, अगर खिलाफत मूवमेंट की बात की जाए तो आप क्या समझते हैं इससे. खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया. नेचुरली खिलाफत मूवमेंट जो है वो कहाँ स्टार्ट हुआ, इंडिया के अंदर, टू डिफेंड खलीफा's टेम्पोरल पावर्स. मतलब खलीफा कौन, टर्की का जो रूलर जो धर्म गुरु भी थे, ठीक है, तो उनके स्पिरिचुअल पावर्स को, टेम्पोरल पावर्स को डिफेंड करने के लिए, वापस पाने के लिए क्या किया गया, इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म खलीफा रेफर्स. अब खलीफा ये वर्ड है ये क्या रेफर करता है, इट रेफर्स वॉट, स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द मुस्लिम. ये क्या है, आध्यात्मिक गुरु है किसके, मुस्लिम्स के, ऐसा माना जाता है. थर्ड वन इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ डैश. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समापन, खात्मा कब हुआ, ऑटोमन टर्की की डिफीट के बाद, मतलब ये लास्ट कंट्री थी जिसको हराने के बाद डिक्लेरेशन हो गया था कि कौन जीता और कौन हारा. नेक्स्ट, When did the खिलाफत कमिटी फॉर्म. अब नेचुरली खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया मुस्लिम्स ने, है ना, ताकि खलीफा को क्या मिले, वापस उनकी पावर मिले. तो उस पावर मिले इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने खिलाफत कमिटी फॉर्म करी मुस्लिम्स ने. ठीक है, तो वो कहाँ करी और कब करी, तो इन मार्च 1919 इन बॉम्बे. कहाँ करी, तो बॉम्बे, और कब करी, तो मार्च 1919. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई वाज खिलाफत कमिटी फॉर्म्ड इन बॉम्बे. बॉम्बे के अंदर जो खिलाफत कमिटी बनाई गई वो क्यों बनाई गई, नेचुरली क्यों बनाई गई, टू डिफेंड खलीफा's टेम्पोरल पावर, जो जो पावर गई है उसको वापस लाने के लिए. तो आंसर सी में यहाँ पर क्या, टू डिफेंड खलीफा's टेम्पोरल पावर्स. ठीक है, अब ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया खिलाफत मूवमेंट, तो मेंशन टू लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट, है ना, खिलाफत मूवमेंट के दो लीडर्स के नाम बताइए जिन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया. तो पहला है मोहम्मद अली, दूसरा है शौकत अली. पहला है मोहम्मद अली, दूसरा है शौकत अली.
आई थिंक ये 5-6 क्वेश्चंस क्लियर हो गए, आगे बढ़ू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधीजी टेक अप द खिलाफत इशू विद द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। हुआ ये था कि जब भाई हिंदू तो नाराज हो ही रहे थे, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया था, रॉलेट एक्ट आ गया था, है ना। रॉलेट एक्ट को अपन जैसे ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं, या ऐसे समझिए कि रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना गया, ठीक है। तो हिंदू से नाराज थे और मुस्लिम भी क्यों नाराज थे, क्योंकि खलीफा को हरा दिया था, है ना। तो अब यहाँ पर हिंदू भी ब्रिटिशर्स से नाराज और मुस्लिम भी ब्रिटिशर्स से नाराज। तो गांधी जी को क्या लगा कि अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हो जाते हैं, है ना, मिल जाएंगे, तो शायद मूवमेंट को क्या मिलेगा, थोड़ा सा और सपोर्ट मिलेगा। तो ये सोचकर उन्होंने क्या किया, खिलाफत इशू को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ने का सोचा। तो क्या पर्पस था, टू ब्रिंग द हिंदूज एंड द मुस्लिम क्लोज टुगेदर। वो नहीं होता एक बात कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यानी अगर आपके दुश्मन का कोई और दुश्मन भी है तो उसको क्या बना लीजिए, दोस्त बना लीजिए। तो सेम चीज यहाँ पर हो गई कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का दुश्मन क्या है, कॉमन थे ब्रिटिशर्स, है ना। तो गांधी जी ने ये सोचकर क्या किया, खिलाफत इशू को सीरियसली लेना चालू किया था। नेक्स्ट, व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब क्या हुआ, ये बात कर रहे अपन खिलाफत मूवमेंट 1919 की, बट ये शुरुआत कब हुआ, नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत कब हुई, जनवरी 1921 के अंदर। मतलब इस बीच में 1919 से लेकर 1921 तक क्या हुआ है, प्रोसेस चला है पूरा। कौन सा प्रोसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। चलिए, एट विच सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920 गांधी जी कन्विंस्ड अदर लीडर्स टू स्टार्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। मतलब कि कौन से सेशन के अंदर गांधी जी ने, कौन से सेशन जो कि सितंबर 1920 में हुआ था, गांधी जी ने अपने जो दूसरे लीडर्स थे उनके सामने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट करने की, साथ ही साथ में खिलाफत मूवमेंट को साथ जोड़ने की बात कही, है ना। फाइनल डिसीजन नहीं है ये लोग लीडर्स को कन्विंस करने की शुरुआत करी थी सितंबर 1920 में, और सितंबर 1920 के अंदर जो सेशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता, ठीक है, वेस्ट बंगाल। कलकत्ता सेशन जो कि सितंबर 1920 में हुआ, वहां पर गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने की बात लोगों के सामने, लीडर्स के सामने रखी थी, जिसको बाद में एक्सेप्ट किया गया और जनवरी 1921 के अंदर नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया, ठीक है। कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, डेट को दिमाग में रखना। नेक्स्ट, विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। अब ये सब मूवमेंट गांधी जी जो कर रहे थे ना, वो किसके अगेंस्ट में करा उन्होंने, नेचुरली जो ब्लैक एक्ट यानी जो रॉलेट एक्ट था उसके खिलाफ में उन्होंने क्या करा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा, क्योंकि गांधी जी को लग रहा था कि ब्रिटिशर्स को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे, तो ब्रिटिशर्स जल्द से जल्द यहां से चले जाएंगे। तो इसीलिए नॉन कॉर्पोरेशन मतलब कॉपरेट नहीं करने वाला मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट करा रॉलेट एक्ट के बाद, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना है तो ये आंसर आपको फटाफट आने वाला है। क्वेश्चन ये है, रॉलेट एक्ट वॉज ऑल्सो नोन एज डैश एक्ट। रॉलेट एक्ट वॉज ऑल्सो नोन एज डैश एक्ट, है ना। कौन रॉलेट एक्ट को और कौन से एक्ट के नाम से जाना गया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आपकी बुक का हेडिंग व्हाई नॉन कॉर्पोरेशन, है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी। तब तक पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।